हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। और अभी मे भी 9:30 हो रहे हैं सुबह के, मैं नाच चुकी हूँ और मैंने अपने कॉटन की टी शर्ट बांधी है सर पे, और मेरे को थोड़ा जुकाम भी हुआ क्योंकि सुबह जल्दी ना गई थी। और अभी तक मैंने अपना नाश्ता बना लिया है और पकौड़े तल रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, दिखाती हूँ। आधे पकौड़े मैं बना चुकी हूँ, आधे बन रहे हैं, इसके बाद मुझे पूरी बनानी है एंड देन उसके बाद मैं दाल के पकौड़े बनाऊंगी, क्योंकि सबको पता होता है कि आज के दिन दाल के पकौड़े बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद ये पूजा उछ रही है तब हम लोग खाना खाएंगे। तो गाइज, वंस अगेन हैप्पी दिवाली, सब अच्छे से दिवाली बनाना और अच्छे से मतलब सब कुछ करना, ऐसा कुछ वो मत करना कि किसी को नुकसान हो, बाकी तो सबको पता ही है बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि बहुत सारा सो सॉरी गाइस, मेरा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट अपलोड हो रहा है। आई नो, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और मैं इसे एडिट करके छोड़ चुकी थी। अब मुझे बीच में वॉइस ओवर डालना पड़ रहा है, बट मेरे पे बिल्कुल टाइम नहीं था इसे अपलोड करने का क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी थी। तो मैं इसे अब अपलोड कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को इतना बुरा ना लगे। तो व्लॉग बहुत लेट शूट हो रहा है। एक्चुअली मैं हो ऐसा रहा है कि बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं करती है और मैं व्लॉग शूट कर नहीं पा रही हूँ, मेरे पे टाइम बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ गाइज, मैंने आपको सुबह जैसे कि बताया था कि मैं पूरी पकौड़े बना रही थी, तो मैंने पकौड़े बनाए, फिर मैंने पूरी बनाई और दाल हमारी पीसने की आज सुबह से लाइट ही नहीं है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है। तो फिर मैंने दाल पीसने के लिए चक्की में दी है और जिनकी दिवाली थी हमने उन्हें सब कुछ दे दिया, जैसे पूरी पकौड़े और मिठाइयाँ ये सब बांट के। मेरे पे टाइम नहीं था शूट करने का बिल्कुल भी, क्योंकि मैं दूर भाग रही थी। तो ये सब करने के बाद अब मैं आई हूँ अपने घर, मम्मी और के यहाँ, जैसे कि वॉल पेपर से आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ मैं आई हूँ अपने घर में मम्मी और के दिवाली विश करने के लिए और मिठाइयाँ देने के लिए। और अभी मैं इसके बाद जाऊँगी पुपोर के घर, पुपोरों के यहाँ भी मैं दिवाली की मिठाई देनी है, फिर मैं अपने घर जाऊँगी। और अभी ना मुझे दाल के पकौड़े फिर से बनाने हैं क्योंकि वो दिए हैं पीसने के लिए तो पीसे नहीं, एंड रंगोली बनानी है। रंगोली के ना कुछ कलर्स जो हैं वो मैं लेना भूल गई थी, कुछ तो मेरे पे थे लास्ट ईयर के बट कुछ रह गए, तो मेरे को अभी रंगोली भी बनानी है। अभी बहुत सारा काम है करने को, तो कुछ कुछ शूट हो रहा है, कुछ कुछ नहीं हो रहा है, तो जो कुछ भी होगा मैं छोटे छोटे क्लिप्स हो सके मेरे से हो पाया तो मैं ऐड कर दूँगी, नहीं हो पाया तो वर्बली बता दूँगी कि मैंने क्या क्या करा और क्या क्या किया। तो ठीक है, फिलहाल जैसे मैंने आपको बोला मैं हूँ मम्मी और के घर में और यहाँ मैंने मिठाई उठाई दे दी। ये देखो, यहाँ एक अपने लिए सैलेड काट रहा है, ये मम्मी देखो इनके गूगल चल रहे हैं। तो मिठाई दे दी है मम्मी, हैप्पी दिवाली। देखो जैसे एक का सैलेड कट रहा है, तो ठीक है अब मैं यहाँ खाना खा के जाऊँगी क्योंकि मैंने पहले ही बोला था मेरे को खाना खाना है। मैं खाना खाने के लिए आई हूँ, मेनली मेरा मोटिव यही था यहाँ खाना खाने का। और अभी यहाँ घर का काम भी अच्छा खासा हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो फिलहाल देखते हैं मम्मी ने खाने में क्या बनाया, खाना खाते हैं फिर फटाफट चलेंगे वापस। तो गाइस, मेरा प्लान चेंज हो चुका है, मैंने सोचा था मैं मम्मी के घर खाना खाऊंगी और ये देखो मेरी दादी। दादी हैप्पी दिवाली बोल। हैप्पी दिवाली। ये हैप्पी दिवाली। ये मेरे बाल। तो मैं चाची और के आई हूँ, अभी बगल में तो है, बहुत दूर थोड़ी आई हूँ। और चाची ने बनाया था कढ़ी चावल, और कढ़ी चावल मेरा फेवरेट है, तो मैंने सोचा मम्मी ने पालक पनीर बनाया, मुझे पालक पनीर नहीं खाने का मन था, मुझे कुछ चटपटा या खट्टा खाने का मन था, तो मैंने सोचा फटाफट मैं यहाँ पर खा लेती हूँ कढ़ी चावल और उसके बाद फिर मैं घर भाग। शूट कर रही है ऐसे ऐसे गाइस, आप इस लड़के को, इस नौजवान लड़के को ढंग से देखें, इसके लड़की खोजी जा रही है, थोड़ा छाव में है तो आपका धूप का मुंह चमक रहा है, वैसे भी आप बांध जैसे ही हो दिखे। ये देखो अभी भी ऐसी दिखता है, चाहे किसी पोज बैठे, इसके लड़की खोजी जा रही है। तो जो भी लड़की बहुत जोरों शोरों से बहुत दमो लेके घूम रहे हैं हमारे, तो अगर जो भी लड़की पसंद करे तो संपर्क करें मेरे से।
तो सब ज़्यादा रिंगने के बाद मैं वापस आ चुकी थी अपने घर, और यहाँ पर मैं रंगोली बनाने की तैयारी शुरू करी थी। मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लिया था, जैसे कि आपको ये मालाओं से दिख रहा होगा, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। और ये जो शूट है मेरा भाई कर रहा था, क्योंकि मम्मी अभी हमारे घर दिवाली की मिठाई देने के लिए आए थे, तो मैंने उसको बोला यार भाई प्लीज़ ना मेरा ना थोड़ा सा शूट कर देना, तो बदतमीज़ देखो ना पता नहीं क्या क्या करता। आधे बार तो उसने कैमरा इधर उधर घुमाई था, तो वो मैंने काट दिया। तो हमारी थोड़ी बहुत तैयारी हो रही थी, और अभी तक हमारी दाल नहीं पिसी, मतलब आज हमारी किस्मत ही ख़राब है यार। कभी लाइट चली जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी मिक्सी ख़राब हो जा रही है, मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा था। तो मैंने सोचा पहले रंगोली बना ली जाए, फिर दाल वाल का सीन देख लेंगे। सो गाइज रंगोली मेरी निपट चुकी है जुगला वाला, और मैं बना रही हूँ दाल की पकौड़ियाँ। देखो, और हमने अपना चूल्हा जो है वो नीचे उतारा है, और अभी मैं आपको हमारा लेटेस्ट स्टाइल का चकला और बेलन दिखाती हूँ, जो अभी कुछ दिनों पहले मार्केट में लॉन्च हुआ है। और ये सिर्फ आपको सैनिक विहार में हमारे घर के अंदर ही मिलेगा, देखने को और कहीं नहीं मिलेगा। और मेरे पकौड़े देखो आपके, तो छोटे छोटे बनाए मैंने शॉर्टकट, ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। चलो मैं आपको रोटी भी दिखाती हूँ, आज बन रही है हमारे घर में कोदे की रोटियां, मक्की कोदा आटा सब मिक्स। अरे थोड़ा मुंडी कट रही ना मेरी, अब मैं क्या करूँ, एक हाथ में बना दिया तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना ठीक है। अब लोग चलो, अब मैं आपको बैक से दिखाती हूँ और चीज़ें क्या। और ये देखो हमारे साथ नया आर्टिस्ट जुड़ा है आज, जो आज कोदे की रोटी बना रहे हैं, और हमारा लेटेस्ट चकला बेलन मार्केट में नया लॉन्च हुआ है, जो सिर्फ हमारे घर में मिलता है और कहीं नहीं। ये चकला बेलन और कहीं मिलता। और ये मम्मी की बनाई हुई रोटी है, ये देखो मम्मी ने बनाई है कोदे की रोटी। किस किस को कोदे की रोटी खानी है कृपया संपर्क करें, घी में हमारे घर आ जाओ, घी और रोटी कृपया घी अपने घर से लाना, और रोटी हमारे घर से खाना। रोटी तो हमारे घर में खा सकते हो, पर पहले बता देना, हमारे यहाँ थोड़ा वो चलता है ठीक है। ये देखो मम्मी बना रही है, और हाँ आज हमने गैस नीचे उतारा है यहाँ ऊपर से, क्योंकि खड़े खड़े बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो हमने सोचा क्यों ना बैठ के किया जाए काम। ये देखो मम्मी की परफेक्ट एकदम बढ़िया रोटी बनी है मम्मी की, और वो देखो हमारा शॉर्टकट चकला बेलन। और ये तल रही हूँ मैं दाल की पकौड़ी, ये हमारी सोने की परात है, बस ये सोना थोड़ा पुरा रहा है तो थोड़ा इसका कलर फेड हो गया। पानी चढ़ा दूंगी मैं कुछ दिनों में, इसमें पीताम्बरी लेके आए हैं, कुछ दिनों में इसे चमका के दिखाएंगे। हमारी रोटी रोज इसमें बनती है, मम्मी रोज इसमें बनाती है रोटी। हम क्या करें, हम बेचारे चकला बेलन ले सकते गाइस, प्लीज हमारा चैनल को थोड़ा प्रमोट करें, ताकि हम बेचारे अपने लिए चकला बेलन खरीद सके, इतना पैसा तो बना ही लें। थोड़ा ब्लॉग वो होगा तो क्या पता चकला बेलन ही आ जाए हमारे लिए, बहुत गरीबियत आ गई है हम लोगों पर। ये देखो, और इतना बढ़िया चकला बेलन है, भयंकर हिलता भी नहीं है, जहाँ का ताक है ये, तो मैंने अब नोटिस किया इसके लिए, कितनी देर से तो मैंने अब नोटिस किया, एक जगह पे है वो हिल नहीं रहा है तब से, आज भी नहीं रहा टक टक। बढ़िया वाला चकला बेलन नहीं हिलता। मम्मी की नजर से मारे मम्मी को हो गए रोटी बनाते हुए 50-55 साल, मतलब कितने दिन बना रहे मैं। अच्छा सच्चाई नहीं बताते ना, सच्चाई नहीं बताते। मम्मी आज बनानी है रोटी बहुत दिनों बाद, तो ये देखो मुझे पकौड़ों के अंदर मिला मिर्ची का डंठल, अभी थोड़ी देर पहले मुझे फुल मिर्ची भी मिली थी, मैंने पानी वहाँ खाई। वृंदावन से एंड गाइस मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया है, देख सकते हो आप, मैं 0% मेकअप के साथ, क्योंकि मैं कुछ करने का मतलब पाल दिया।
रही हूँ किसी लेकर निकल रही है चलता है नीचे। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी रंगोली, और वो बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिला, बहुत सारा इधर उधर वो चल रहा था, तो मैं आपको फिर रंगोली का फाइनल लुक। सो गाइज, ये है मेरी रंगोली का कुछ फाइनल लुक। एंड सच बोलूँ तो मुझे रंगोली बनाने ढंग से आती नहीं है, बट मैंने मेहनत कर ली जैसे पैसे कुछ, ऐसे मेरा रंगोली है। और ये कुछ मैंने ऐसे ऊपर डेकोरेट, मतलब मैं आपको एक घंटा कंप्लीट दिखाती हूँ, मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और ये लो, मैं लड़ी में फंस गई, ये उसमें तो कवर ही नहीं हो रहा ये। तो ये कुछ ऐसा है मेरा फाइनल लुक जो मैंने यहाँ पर थोड़ा फोटो शूट कर बनाया है। एंड ये हमारी पूरी लाइट्स लगी हुई हैं यहाँ पर, पूरे ऐसे घर में पूरा ऊपर सब जगह से लाइट्स है। वहाँ साइड जो उन्होंने भी लाइट्स लगाई हैं, दिए हमारे जल चुके हैं, हमने ज़्यादा दिए नहीं लगाए, हमने थोड़े बहुत ही दिए लगाए क्योंकि हम पर टाइम नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा बहुत लेट तक काम चल रहा था। आप ये रंगोली वाले दोबारे देख लो, और जिसको बेच दी हमने वो कमेंट में क्योंकि अब मुझे इतने अच्छे से आती है क्या करें। और पीछे से आपको ये पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, लोगों के पटाखे फूटने स्टार्ट हो चुके हैं, और हम अभी ऐसे ही बैठे हैं, तो गोलू का वेट कर रहे हैं, जब वो आएंगे तब हम शुरू करेंगे अपनी दिवाली मनाना। तो यहाँ पर पापा जी देखो अपने हाथ में पटाखा फोड़ रहे थे और दिखा रहे थे, देखो कि वो हाथ से पटाखा फोड़ सकते हैं, और मैं इनकी वीडियो बना रही थी। ये डरते नहीं है बिल्कुल भी, एक बार इनका ट्रेजेडी भी है बट उसके बाद भी ये डरते नहीं है, हाथ ही में पटाखे फोड़ते हैं। तो यहाँ पर से हमारे पटाखे फोड़ने की शुरुआत हो चुकी थी, तो हमने सबसे पहले फोड़ा 120 स्काई शॉट, जो कि मैंने टाइम स्लैप से बनाया, कौन बनाता है इतनी लंबी वीडियो। उसके बाद हमने फोड़े 1000 की लड़ी, और ये भी मैंने टाइम स्लिप से बनाया। तो या गाइस, दैट्स एंड ऑफ द व्लॉग। मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मैंने ये पूरे व्लॉग में बताई दिया है 50 बार कि मैं बहुत थक गई थी इसलिए मेरा शूट नहीं हुआ। तो एंड सॉरी गाइस कि मैंने इतना लेट अपलोड करा। सो सी यू सून, बाय बाय नेक्स्ट व्लॉग के साथ।